सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। पंचायत समिति सदस्य पद हेतु उम्मीदवार दुर्गानंद यादव पंचायत सिरखिरिया क्षेत्र संख्या 38 से प्रखंड रोनी सैदपुर जिला सीतामढ़ी। दीजिएगा नाम दुर्गानंद यादव हुआ। किस पंचायत? पंचायत सिरखिरिया। और किस पद के लिए? पंचायत समिति पद के लिए। अच्छा, तो आपके क्षेत्र संख्या कितना हुआ? 38। अब ये बताइए कि आपके यहाँ जो है कुछ समस्या भी है? हमारे यहाँ हाँ, अभी तक तो बिजली का समस्या था, तो वो भी अब मिला जुला करके अभी तक ठीक है। इसलिए कि जनता आपको चुनेगी, तो जनता जो है वहाँ अपने एरिया का समस्या जो है उसका समाधान करने वाला जो नेता है उसको चुनेगी। जी जी जी। तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्या है इसके बारे में बताइए। हमारे क्षेत्र में अभी भी रोड सड़क का समस्या है। हाँ, विगत वर्ष में भी कुछ काम हुआ है। अच्छा, जो बचा हुआ है हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इस बार में उसको कम्प्लीट। रोड और पुल पुलिया ऐसे की जरूरत है? 5 साल आप रहे? नहीं, हम रहे नहीं। अच्छा, पिछले बार हम प्रतिद्वंदी थे। अच्छा, और ये बताइए कि ये बताइए कि जनता अगर चुनती है आपको तो किस ढंग से जनता के साथ आपका व्यवहार रहेगा? जनता के द्वारा आप रहिएगा या आपके द्वारा जनता आगे काम कराएगी? अभी तक हमने किसी पोस्ट पर नहीं थे, इसके बावजूद भी जनता को मैंने जो सेवा किया है वो जनता से पूछ लीजिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। मतलब जनता को परेशान नहीं करेंगे, जनता के द्वार जाकर के आप उसका समस्या का समाधान करेंगे? क्या हमारा व्यवहार है? अभी जनता हमारा सब इज्जत है, आप जनता से पूछ सकते हैं, हमसे नहीं। एक आदमी बयान दीजिए, आपका क्या नाम है? विद्यानंद। आप जो है अपना पूरा परिचय पहले दीजिए। नाम विद्यानंद यादव जी। जिला? जिला सीतामढ़ी। और आप ये बताइए कि प्रत्याशी जो हैं इनको आप बढ़िया से जान रहे हैं? इनके भाई है, दूसरा से पूछिए। अच्छा, दीजिएगा। हमारा नाम सुरेश राय। किस पंचायत से हैं? सिरखिरिया पंचायत से हैं। और ब्लॉक कौन सा हुआ? रोनी सैदपुर। अब ये बताइए कि हमारे साथ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इनको आप जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। जनता के साथ कैसा व्यवहार है, दुख सुख में उसके रहते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, ये एकदम जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ, और पिछले बार भी चुनाव लड़े, हार गए, सेकंड पोजीशन पर रहे, फिर भी मुखिया जी के माध्यम से मनरेगा से बहुत लोगों के सेवा किए हैं ये। अच्छा, और इसी के परिणाम है कि आज देख रहे हैं इतना जनसंख्या में लोग इनके साथ हैं। हम लोग जानते हैं कि अच्छे लोग।